समीर भाई कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के मौसम, बहुत सुहाना है। बहुत सुहाना है, चलो जिंदगी यहाँ पे आके। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मुसाफिर बड़ेज। आज का जो व्लॉग है, आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अभी रात के हो रहे हैं 11 बज चुके हैं, तो नॉर्मल डेज की तरह मैं रेस्ट कर रहा था, फोन चला रहा था और मतलब सोने की तैयारी हो रही थी, तो सडनली मेरे पास मेरे जीजा का फोन आता है और मुझसे पूछते हैं कि सुनील मसूरी चल रहा है। तो मैं अपने जीजा से कहता हूँ कि यार इस टाइम पे ये मजाक मत करो, क्योंकि वैसे बहुत टाइम से घर पे बैठा हूँ और बहुत टाइम से मेरा मन है पहाड़ों पर जाने का। तो वो मुझसे कहते हैं कि मजाक नहीं है, सडनली प्लान बना है और जल्दी फटाफट रेडी हो जा और बैग पैक कर और जल्दी आ जा। तो गाइस ये रहा मेरा बैग जो कि मैंने फटाफट पैक कर लिया। पता नहीं वो प्रैंक कर रहे हैं क्या है, पर मुझे तो बोला तैयार होने की। तो गाइस मैं वहीं जा रहा हूँ, अब देखता हूँ आगे, बाकी बने रहिए, आप देखते रहिए जैसा भी सीन है। तो गाइस फाइनली मैं निकल गया हूँ घर से, पैकिंग वैकिंग करके सारा। अब मैं जा रहा हूँ अपने जीजा के घर पे और लेट्स सी क्या होता है, वहाँ जाके देखते हैं अगर ये गाइस मजाक हुआ ना, क्योंकि मेरे साथ एक बार मजाक हो चुका है जो कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में। बस ये मजाक ना हो, पता चले वहाँ मैं पहुँचूँ और बोले भाई ये मजाक है, हम तो कहीं नहीं जा रहे। तो गाइस ये मजाक तो लग नहीं रहा क्योंकि समीर भाई पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ये बैठे समीर भाई और जीजा भी वहीं पर ही हैं। हमने अपनी बीवियों को बड़ी मुश्किल से मना ली, अब इसे मनाली के बाद हम जा रहे हैं मसूरी। अब ये बात आपको अक्षय कुमार बताएंगे, बेटा तुम्हें मिलेगा बहुत ज्यादा झटका मिलेगा, अभी तुम्हें जाओगे जब मसूरी में। और नाना मिलेंगे आपको सुबह? नाना क्या कह रहे थे? नाना कुछ नहीं कह रहे थे, नाना कहते खर्चा क्यों हो गया इतना ज्यादा। और जो अजय देवगन सर थे वो भी दिमाग मैंने सुना। ओ पाजी आप लोग बना रहे हो, एक चीज का ध्यान रखना। क्या चीज? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट डालना मत भूलिएगा। अभी आप बने रहिएगा इस ब्लॉग में, आपको इतना मजा आने वाला है क्योंकि हमारे साथ समीर भाई और ऑब्वियसली मेरे जीजा। कोई प्रॉब्लम सुनिए ना जीजा बोलना ब्लॉग में। मेरा भाई इधर आ यार, कहाँ दूर उधर। बाकी जो मेन रीज़न है मेरा इस ट्रिप में आने का वो यही भाई साहब हैं, और एंड तक जरूर देखिएगा ब्लॉग को। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम मसूरी, और रास्ते में ही अभी होटल पहुंचे नहीं है, बाकी एक यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का कुछ दिखाया, तो यहाँ पे हम रुक के थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। और पीछे का व्यू गाइस ऑसम एक नंबर, कैमरे में उतनी अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा, पर अगर आप यहाँ पे लाइव होते तो आप बहुत अच्छी तरीके से इन्जॉय कर पाते गाइस। और ये गाइस रात भर नॉन स्टॉप गाड़ी चलती रही। गाइस जा रहा हूँ थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करूँगा और बाकी तो होटल रूम में आपने देखना, और बाकी जो भी अपडेट रहेंगे आप देखते रहेंगे। माल रोड पे हूँ मैं, और यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद है। अभी वो टाइम नहीं है क्योंकि अभी मैं यहाँ पे 7 बजे पहुँचा हूँ मॉर्निंग के, अभी 11:30 बजे ऑलमोस्ट 11 बजे तक यहाँ पे सारी मार्केट खुलेंगी। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से पूरा देहरादून दिखता है और पूरा मसूरी दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पीछे यहाँ पे सारा ये मार्केट है माल रोड का। लेट्स सी, अभी तो होटल रूम्स के लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हमने बुकिंग की थी वो वहाँ पे तो कैंसिल हो गई। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम में, और अब जाके अपने रूम को खोलता हूं, देखता हूं कैसा रूम है। रूम तो गाइस थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है। चलो गाइस मैं रूम में पहुंच गया हूं और बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं, और नहा के मिलता हूं आपको थोड़ी देर में। Hours later. दोस्तों अभी एक सीन हो गया मेरे साथ, ये हुआ कि जब मैं आया था तकारा, मैंने सोचा कि एक बार नहाऊंगा और उसके बाद थोड़ा फ्रेश होऊंगा, लंच वंच करूंगा और फिर थोड़ा बाहर जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं लेटा गाइस, मेरी आँख लग गई और मैं सोता रह गया, जबकि मुझे 3 बजे उठ के बाहर जाना था, मैं 5 बजे तक सोता रह गया बाहर। अभी अंधेरा होना स्टार्ट होने लगा है, अब पता नहीं हमारे पास आधा घंटा है, 1 घंटा है, क्या है। चलता हूँ देखता हूँ कि जो लोग सो रहे हैं उन्हें मैं जगाने की कोशिश करता हूँ। क्या हो अंदर? हाँ जी गुड मॉर्निंग, शाम के 5 बज गए। तो गाइस फाइनली अपने रूम से हम निकल के थोड़ा बाहर आए हैं, और भाई ने थोड़ी तेज़ी दिखाई और थोड़ा जल्दी जल्दी रेडी हो गया मेरे साथ आ गए, और बहुत अच्छी बात है। ये पता है माल रोड मार्केट है,
मॉर्निंग में भी मैं यहीं पे खड़ा था जहाँ से मैंने आपको पूरा सीन दिखाया था पीछे का, और जैसा कि अभी आप देख सकते हो जहाँ पहले पूरा देहरादून और पूरा दिखा रहा था, मसूरी दिख रहा था, अभी पूरा क्लाउड भरा हुआ है अभी। तो गाइस दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे आप लोग आने का सोच रहे हो, अपना कोविड टेस्ट और ई पास ज़रूर रखना गाइस, वरना आपको टोल पे और बहुत सी जगहों पे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और हर जगह पे आपको रोक के आपका ई पास चेक करेंगे। तो गाइस ई पास और कोविड टेस्ट ज़रूर अपने पास रखना। हमारे आकाश भाई हैं, ये हमें दिल्ली से पूरा ड्राइव करके हमें ये लेके आए हैं, वहाँ से बहुत सेफली लाए। थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, कोई अच्छा व्यू मिल जाए, और हमारे साथ जो बाकी लोग हैं वो लोग भी हमें भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। उनको थोड़ा रेडी होने में टाइम लग रहा था, पर अगर उनके लिए हम लोग रुकते ज़्यादा देर तक तो फिर अंधेरा हो जाता, और जो ये व्यू है ये हम लोग मिस कर देते। मैं एक बार आपको यहाँ से एक बार व्यू दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको दिख रहा है गाइस, हाई टाइप के यहाँ पूरा ये पूरा भर गया है क्लाउड से, और अभी हम क्लाउड के ऊपर हैं। तो गाइस मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पे 6 बजे पहुँचे थे, और जो हमने बुकिंग की थी वो कैंसिल हो गई थी, और जो बाकी के सारे होटल्स बोल रहे थे कि 10 बजे के बाद ही आपको रूम्स मिल पाएंगे, क्योंकि 10 बजे यहाँ पे टाइमिंग है, 10 बजे चेकआउट करना पड़ता है यहाँ पे। हम लोग 3 घंटा हम लोगों ने वेट किया तब जाके हमें कोई होटल मिला, और बहुत ज़्यादा टाइड हो गए थे गाइस। यही एक रीज़न है कि सोने का भी हम लोग की आँख लग गई थी, और इतने देर तक हम लोग सो गए क्योंकि रात भर कोई सोया नहीं था। गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो आप प्री बुकिंग करके आओ गाइस, पहले से बुकिंग करो, क्योंकि यहाँ पे आके आप खामा का धक्के खाओगे हमारी तरह, जो एक्सपीरियंस हमने ले लिया उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ ना हो। तो फाइनली गाइस ये लोग अपने रूम से निकल के आ गए। हाँ भाई हो गए फ्री सब? हम तुम लोगों को ढूंढ रहे थे। हम लोगों को ढूंढ रहे थे, हम आप लोगों को ढूंढ रहे थे, हमें लगा आप लोग रूम में ही हो, कॉल करने वाले थे। बनी बोलो हेलो मुसाफिर बड़ीज, बोलो हेलो मुसाफिर बड़ीज, प्लीज सब्सक्राइब मुसाफिर बड़ीज। बोलो गाइस ये मेरा भांजा है, छोटा भांजा मेरे जैसा, ये क्यूट। चलो चलो चलो। और ये रे समीर भाई, ये जो हैंडसम हंक यहाँ पे फुल बॉडी बॉडी। समीर भाई कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के मौसम, बहुत सुहाना है, बहुत सुहाना है, चलो जिंदगी यहाँ पे आके। नींद कैसी लगी यार, नींद मारा आपने होटल में फुल? नींद में मजा आ गया, मुझे मजा आ गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा जल्दी आना चाहिए था? जल्दी नहीं, हमको होटल लेट मिला। होटल नहीं है, आप चेकआउट लेट हुआ। हाँ ये भी है ना भाई, ऐसा व्यू चाहिए खतरनाक वाला, इधर उधर मत खींच लेना। तो ये बेबी हमारी छोटी से परेशान हो रही है, और ये जा रही है फोटो शूट के लिए। आरू गाइस ये मेरी भांजी है, जो भी फोटो शूट के लिए, फोटो शूट के लिए जा रही है। मुसाफिर बड़ी को सब्सक्राइब करो, बोलो मुसाफिर बड़ी को सब्सक्राइब करो। हाय हाय क्या बात है, फुल एकदम। देखो गाइस इसकी हरकत चालू हो गई। क्या भाई क्या हो गया, क्या चाहिए? व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट? आई वांट गोगो, थोड़ी बदतमीजी कर ले, थोड़ी एकदम नॉर्मल रखो, बाल बंद कर। ये देखो इसको तो भाई, जब भी मैं चश्मा पहन के इसके सामने आता हूं गाइस, मेरा चश्मा कैसा रखा है, वही देखो। ये लड़का पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। क्या बात है, सही सेट आई आप बानी, इसको लेके बैठना पड़ेगा। अब ये मॉडल जा रहा है फोटो शूट के लिए। क्या हो गया बाबा, क्या हो बेटा, क्या चाहिए, क्या खाना है? लॉलीपॉप? वो तो नहीं मिलेगा यहाँ पे पहाड़ों पे। बेटा लॉलीपॉप की लाइन लगा दूंगा मैं, अभी रुक जाओ बस थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। नाइन कैंडी ही कैंडी होगी मेरी बाकी बेटी के। तो रात के 8 बज चुके हैं गाइज, और अंधेरा हो गया बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बहुत लेट आए थे घूमने के लिए, और 6 बजे तो हम लोग यहाँ पे आए ही थे, और घूमते घामते खाते पीते कब इतना अंधेरा हो गया पता भी नहीं चला। तो अभी हम अपने होटल रूम की तरफ जा रहे हैं। तो आज के लिए गाइज सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ कवर किया नहीं। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग को देख लिया है तो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मुसाफिर बड़ी को, और बने रहिए, इस ब्लॉग का सेकेंड पार्ट भी आएगा।
और उसमें हम कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करने का, क्योंकि आज हमको ज़्यादा कवर कर नहीं पाए, तो शायद नेक्स्ट व्लॉग इससे ज़्यादा एक्साइटेड हो, इससे ज़्यादा अच्छा हो। तो मिलते हैं गाइस बहुत जल्दी अगले व्लॉग में, बाय।